फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी कि कैसे साड़ी में फॉल लगाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक तो फॉल चाहिए, साड़ी चाहिए, धागे चाहिए जो कलर चाहिए, और एक सीजर चाहिए और सुई चाहिए। तो फॉल लगाने के लिए सबसे पहले हमें साड़ी को ये देखना होगा कि साड़ी किस तरफ से हमारी सीधी और उल्टी है, जिस तरफ से फॉल लगती है। तो ये साड़ी का हमारा पोर्शन है। तो ये हमारा, देखिए मैं खोल के पहले बता देती हूँ आपको, ये जैसे पल्लू का पोर्शन हुआ ये, और ये नीचे का पोर्शन हुआ, ये उल्टी तरफ हुआ। ये उल्टी तरफ को भी मैंने इसको साइड से हेमिंग कर ली हुई है। तो हेमिंग करना भी मैं आपको बता दूँगी इसी में। आगे मैं इसमें हेमिंग करूँगी ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले में सिलाई करूँगी। तो इसको पहले तो हम ये उल्टा सीधा देख लेंगे कि ये पोर्शन हमारा आँचल का है और ये नीचे का पोर्शन है। तो और ये सीधा है और ये उल्टा है, इस तरफ ये हमारा उल्टा वाला पोर्शन है। तो फॉल हमेशा हमारी उल्टी तरफ लगती है और नीचे की तरफ से शुरू होती है। जहाँ से बॉर्डर होगी नीचे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉल लगाना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम या तो 4 इंची या 6 इंची, इतना हम छोड़ के, इतना छोड़ देंगे हम। हमने इसको मेजरमेंट करके मैं बता देती हूँ, इतना तक हमें छोड़ना होता है, 6 इंची या 7 इंची। मैं इसको 7 इंची छोड़ रही हूँ। 7 इंच के बाद यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉल देख लेते हैं कि फॉल में हमारी कहीं भी फॉल को, अगर आपके पास कॉटन की फॉल है तो इसे आप धो के नमक और गुनगुने पानी में थोड़ी देर छोड़ के, और फिर उसको धो लेंगे, फिर उसे प्रेस करके रख लेंगे, तो ये इसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा। अगर आपके पास सिंथेटिक वाली फॉल है तो उसे आप वैसे भी लगा सकते हैं उसे धोने की। और ये देखिए, ये पोर्शन मेरा थोड़ा सा तिरछा है इसमें, तो इसको हम बराबर कर लेंगे पहले कट करके, जो हमारा उल्टा टेढ़ा हो उसे हम बराबर कर लेंगे। फॉल हमारी बराबर होनी चाहिए लगाते टाइम पूरी। इस तरफ भी हमारी थोड़ी सी तिरछी है, ये फॉल में कई बार आ जाती है, तो इसे हम सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास सीधी फॉल है बिल्कुल, तो उसमें ज़रूरत नहीं है इसे कट करने की, लेकिन जहाँ थोड़ी तिरछी हो उसे आप ऐसे ये करके हमने कट कर लिया। और अब हमें फॉल का ये वाला उल्टा वाला पोर्शन है, ये सीधा वाला पोर्शन, ये साड़ी का नीचे का पोर्शन, उल्टा पोर्शन, और मैंने बोला था ये 7 इंच छोड़ के यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये नीचे का कलर हम लगाएंगे। तो नीचे के, और इसे ऐसे हम पहले फोल्ड कर लेंगे। घर में आप आसानी से फॉल लगा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 घंटे में, अगर आपका हाथ स्लो भी चलता है तो भी 1 घंटे में आराम से आपकी फॉल लग जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसे पहले लगा लिया, नीचे वाला पोर्शन पहले हम पूरा सिलाई कर लेंगे। तो नीचे वाले पोर्शन की सिलाई करने के लिए पहले सुई में धागे हमने लगा लिए हुए हैं सुई में, और पहले हम इधर से अंदर से इसको, ये देखिए, इधर से अंदर से इसको ये खींच लेंगे, ताकि ये जो धागे की गठान जो है ये अंदर चली जाए। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है फॉल की, बाहर से दिखता नहीं है। अब ये अंदर चला गया हमारा। उसके बाद अब हम इसे साइड से, ये वाला पोर्शन हमारा दोनों तरफ से, ये इधर से सीधा हो गया और ये इधर से उल्टा। उल्टी तरफ से फॉल हमेशा लगानी है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद अब हम इसे ऐसे सिलाई करके फिर इसे ऐसे किया और ये ऐसे खींच लिया। अब ये वापस से फिर हमें इससे थोड़ा सा यहाँ ये धागा हमने लिया था ये, और इसे थोड़ा सा इधर से ऐसे लेके, और डबल सिलाई हमारी हो जाती है ऐसे है। धागे फंसेंगे उसको अच्छे से निकाल लेने हैं हमें, ये ऊपर नीचे दोनों बराबर करके। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये धागा लिया और यहाँ से इसके थोड़ा सा इधर से बिल्कुल ऐसे लेके इधर से निकाल लिया। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों हमारा बराबर
ऊपर का और नीचे का ये होना चाहिए। ऐसे फिर से खींच के ऐसे निकाल देंगे। फिर ऐसे ये लिया वापस से, ये वाला पोर्शन हम जितना छोटा लेंगे उतना हमारा बाहर से बिल्कुल धागा कम दिखेगा। ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई इस तरफ की पहले कर लेते हैं और उधर लास्ट में भी आके हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। नीचे की हम पूरी सिलाई ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाती है, ऐसे बराबर हो जाएगी। ये लास्ट का इधर का कॉर्नर पे आ गए हैं, तो इधर के कॉर्नर पे भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ से ये ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको इतना फोल्ड करके फिर ऐसे इसको अंदर आ जानी चाहिए ये बराबर। सिलाई कर ली है मैंने यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में भी ऐसे फोल्ड करके हमने जैसे स्टार्टिंग में बंद किया था वैसे यहाँ से ये फोल्ड करके फिर यहाँ बंद कर लिया है और गठान बांध लिया। अब यहाँ हमें अब नीचे का पोर्शन ये करना है। अब ये बेस में जो है इसको फिक्स करना है। तो एक कोई भी लकड़ी का पट्टा या आपके पास हार्ड सरफेस कोई भी, या नीचे फ्लोर पे भी कर सकते हैं इसे आप, कोई भी हार्ड सरफेस पे इसको साड़ी को ये रख के और ऐसे सीधा कर लेना है बिल्कुल, ताकि ये बराबर हो जाए। सीधा हमें कर लेनी है ताकि ये बराबर हो जाए, ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। कॉटन में तो हो जाती है आसानी से, लेकिन अगर आपके सिंथेटिक हो साड़ी तो उसमें दिक्कत होती है। तो दोनों में आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से बैठ जाती है। नीचे का जो पोर्शन है साड़ी का पोर्शन है उसको, और ये फॉल वाले पोर्शन, दोनों को बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और उसके बाद इसे ऐसे मोटा मोटा पहले हम गुल लेंगे। ऐसे ये देखिए, इधर से फिर इधर से इसको यहां से फिर ऐसे जो हमारा बेस है उसको फिक्स कर लेंगे हम इस तरीके से ऐसे सिल के। पूरी फॉल पे हम ऐसे ही फिर इधर से भी ऐसे खींचते हुए ऐसे पूरा हम फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे इसको हम कच्ची सिलाई पूरे में कर लेते। ये हमने इधर भी पूरा इसको मोटी सिलाई कर दी हुई है। अब हम इसकी हेमिंग करेंगे। तो हेमिंग कैसे करेंगे, अब ये हमने गुल लिया तो अब ये आसानी से हम इसे यहाँ से ऐसे, ये देखिए अंदर से धागा लिया, इसको कॉर्नर को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और ये पोर्शन जो हमारा है ऊपर से इस तरफ से रेड कलर है, तो मैं रेड कलर ही लगाऊंगी। सीधी तरफ से जो कलर होगा ऊपर वही कलर लगाऊंगी, तो मैं रेड कलर लगा रही हूँ इसमें। और ये ऐसे हमने ये किया, ये ऐसे हेमिंग करते चले जाएंगे। और एक बार इसको ऐसे धागे को यहाँ से वापस से ले लेंगे तो ये धागा हमारा मजबूत हो जाता है, सिलाई अच्छी मजबूत हो जाती है, जल्दी खुलती नहीं है। धागे कई बार फंस जाते हैं, टूट जाते हैं, वह नहीं फंसती। ऐसे हम पूरा ये एक बार और जैसे यहाँ पे ले लिया तो ये फिक्स हो गई। यहाँ से यहाँ तक हम ये ऐसे ही हेमिंग कर लेंगे। अब ये कॉर्नर पे आके यहाँ से, अब ये हमारा ये कॉर्नर है तो कॉर्नर पे हम ऐसे ये किया,
दो तीन बार यहाँ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद अब इस तरफ हम आ जाएंगे, इस तरफ भी जल्दी जल्दी करनी है तो ये के दो बार भी लेके निकाल ले सकते हैं। इसका फिर वापस इसी में लेंगे। ऐसे ही पूरी में हम ये देखिए अभी कितनी अच्छी ये फिक्स हो गई है, बिल्कुल कहीं से भी दिखाई नहीं देगी। और सीधी तरफ से भी देखिए कहीं पता नहीं चलता है कहाँ से सिलाई की है, बिल्कुल। तो ये ऐसे ही ये हम पूरी फॉल पे ये कर लेंगे। उधर में भी कॉर्नर पे ऐसे ही हम जब कॉर्नर पे आएंगे तो हमें ऐसे ही यहाँ पे दो तीन गठान लेके फिर इधर को आना है। अभी लास्ट में हम आ गए हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में भी हम ऐसे ही हेमिंग करेंगे, एक इधर से धागा, एक ऐसे नीचे से थोड़ा लेके ऊपर से थोड़ा लेके उसमें डबल लेके धागा ऐसे खींच के नीचे ये बंद हो गई। अभी सीजर से इसे एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। अब ये जो हमने ये कच्ची सिलाई की हुई थी अब इसे हटा देंगे, इसे ऐसे पूरा ये खोल देंगे। और ये देखिए सीधी तरफ से बिल्कुल कहीं से भी पता नहीं चलता है कहाँ धागा लगा हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग में लग गई हमारी फॉल। तो आप भी ऐसे आसानी से घर पे फॉल लगा सकते हैं। अगर आपको मार्केट जाने में दिक्कत हो या घर में, आप इजीली बैठ के एक दो घंटे में लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी और भी बहुत कुछ मैं नई नई चीज़ें डालने वाली हूँ। मैं सर्दियों में नीटिंग और क्रोशेट के भी डालती हूँ, और अभी मैं ये डाल और भी कई चीज़ें नई नई आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आप भी इसे बनाना ट्राई करें। थैंक यू सो मच।